हेलो मिस्टर अरुण से बात कराइए। अरुण, अरुण, भाभी। अरुण तुम्हारा फोन है। हेलो, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ, मेरे काम का क्या हुआ? तुमने तुम्हारा काम हो जाएगा पूर्णिमा, फिक्र क्यों करती हो? मुझे धोखा दिया और मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरे पैसे ले लिए। अपने पिता को समझा देना, जितना वो मुझे सुना कर गए ना, उससे कहीं ज्यादा मैं उन्हें सुना सकती थी। सिर्फ उनकी उम्र का लिहाज करके मैंने उन्हें छोड़ दिया, वरना मैं उन्हें कई ज्यादा सुना सकती थी। संभाल संभाल के बात करो पूर्णिमा, मैं तुमसे शराफत के दायरे में रहकर बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने शराफत का चोला उतार दिया तो बहुत भारी पड़ेगा। मैंने देख लिया है कि तुम लोग क्या हो और तुम्हारा खानदान क्या है। खबरदार, खानदान तक मत पहुंचना, समझी? तुम्हारे 20 लाख रुपए जब होंगे दे दिए जाएंगे। मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए कैश दिए थे, गिनकर वो पैसे मुझे कैश वापस चाहिए आज और अभी। अभी नहीं है मेरे पास। देखो, तुम मेरे पैसे अभी इसी वक्त लौटा दो, वरना बहुत बुरा होगा। देखता हूँ क्या बुरा होगा, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास ना तो मेरा कोई एग्रीमेंट है और ना कोई सबूत है। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाओगी ना, तब भी ये साबित नहीं कर सकोगी कि मैंने तुमसे 20 लाख रुपए लिए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जब हमारे पास पैसे होंगे हम तुम्हें दे देंगे, और ये हमारी शराफत है। तुमने अगर कोई कमीनापन दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, 20 लाख तो क्या, 20 पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझ गए? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं पायल बोल रही हूँ। ओ पायल, चलो अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिन घर वालों से तुम इतना प्यार करती हो, वो आखिर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिन घर वालों पर तुम अपनी जान छिड़कती हो, जिनसे तुम इतना प्यार करती हो, आखिर वो तुम्हारे बारे में सोचते क्या हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे जेठ मिस्टर अरुण ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे। वो 20 लाख मैंने उन्हें इसलिए दिए थे ताकि वो तुम्हारे और सुमित के बीच में दरार पैदा कर दें और सुमित मेरे करीब आ जाए। तुम्हें और सुमित को जुदा करने का ये सौदा किया था तुम्हारे जेठ ने। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरुण भाई ऐसा नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकती। इतना भरोसा है अपने जेठ पर? नहीं मानती तो जाकर पूछ लो उनसे कि वो 20 लाख रुपए उन्होंने मुझसे क्यों लिए थे। मुझे अरुण भैया पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। पूरा भरोसा? जिस पर इंसान भरोसा करता है ना, वही इंसान उसे धोखा दे देता है। जाकर पूछ लो अपने अरुण भैया से कि वो 20 लाख रुपए मुझसे उन्होंने क्यों लिए। क्या हुआ पायल, तुम कुछ परेशान लग रही हो? किसका फोन था? पूर्णिमा का। पूर्णिमा का? फिर उसका फोन आ गया? भाभी, वो अरुण भैया के बारे में क्या क्या कह रही थी? अरे वो पागल है, बेवकूफ है, कुछ भी बक देती, कुछ भी कह देती है। लेकिन मैं अरुण भैया से पूछ कर ही रहूंगी कि उन्होंने पूर्णिमा से 20 लाख रुपए लिए क्या। मैंने 20 लाख रुपए लिए बिजनेस के लिए, कर्ज के रूप में लौटा दूंगा। वो तो कुछ और कह रही। उसके कहने से क्या होता है? वो तो लेकिन आपने उसे 20 लाख रुपए लिए क्यों, जबकि आप जानते हैं कि वो इस घर के दुश्मन है। उसने मेरी खुशियों को आग लगाई है। आपने उसे पैसे मांगे और उसने इतनी आसानी से दे दिए। इसके पीछे जरूर कोई बात है। अरे क्या बात है? कोई बात नहीं है। नहीं भैया, इसके पीछे जरूर कोई बात है। कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक पागल हो सकता है। जानते हैं वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आपने उसे 20 लाख रुपए लिए हैं और आप मेरे और सुमित के बीच में दरार डाल देंगे। बताइए भैया, क्या ये बात सही है? अरे पायल, भैया आप मुझे सच सच बताइए कि ये बात सही है या झूठ। आपको मेरी कसम है। हाँ ये सच है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने रुपए लेते वक्त, बस भैया, बस मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पैसा के लिए इतना गिर जाएंगे कि मेरे और सुमित के बीच में दरार पैदा कर देंगे।
पायल मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। मुझे मैंने एक दोस्त से कर्जा लिया था जो मुझे लौटा था। मुझे कुछ नहीं सुनना। पायल भाभी देखिए ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या सुनना और क्या कहना, जो कुछ होना था वो हो गया। पायल मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी मजबूरी को ध्यान से सुनो। देखिए मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। पायल तुम मुझे अपना जेठ नहीं अपना भाई मानती हो। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये जानती हो ना। आज ये समझ लो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बैठा है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों का बुरा नहीं सोच सकता। क्या मैं तुम्हारा घर उजाड़ने की बात मन में भी ला सकता हूं? भगवान कसम मैंने ये सिर्फ उस औरत को सबक सिखाकर अपना काम निकालने के लिए किया है। हाँ तुम क्या समझती हो, क्या हम भाइयों में प्यार नहीं है? क्या मैं ऐरे घरों की बातों में आकर इस घर को बर्बाद कर दूंगा? पायल मैंने ये जानबूझकर किया है ताकि वो औरत ये जान ले कि हमारे घर में कितनी एकता है और हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश कभी ना करे। पायल मैं ऐसी हजार पूर्णिमाएं और लाखों रुपए तुम पर निछावर करके फेंक दूं, यकीन मानो मैं घर वालों का बुरा कभी नहीं कर सकता और ना ही सोच सकता हूं। मेरा यकीन करोगे आप? भैया एक पल के लिए ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। तुम्हारे दिल से ये बात निकल गई बस और कुछ नहीं। पायल, अरे पायल वो क्या है कि मेरे दोस्त ने कल दोपहर को हमें लंच पे बुलाया, तैयार रहना हमें जाना है। कल मैं नहीं जा सकती। क्यों? मेरी मीटिंग है। अरे तुम्हारी मीटिंग बाद में भी हो सकती है। नहीं मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे उसने इतने दिनों के बाद बुलाया है और मैंने उसे हाँ भी कर दी है। तुमने हाँ कह दी है ना तो तुम चले जाओ। देखो पायल उसने कहा है कि अपनी वाइफ को साथ में लेकर आना। हाँ मैं कल अकेला जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा कि मेरी वाइफ बिजनेस मीटिंग में गई है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मैंने तुमसे कहा ना मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है। देखो पायल तुम ये मीटिंग बाद में भी कर सकती हो, तुम्हें कल मेरे साथ चलना है। कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं वहां काम से जा रही हूँ, कोई मजाक करने नहीं जा रही। और फिर मैंने सुनील से वादा किया है कि वो मीटिंग में जरूर अटेंड करूंगी। ये सुनील 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 ये सुनील ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी। हेलो हेलो, हाँ जरा पायल से बात करवाएंगे? कौन बात कर रहा है? जी मैं सुनील बोल रहा हूँ, सुनील खन्ना। सुनील पायल तो सो चुकी। तो फिर उसे जगाइए, देखिए बहुत जरूरी काम है। वो गहरी नींद सो चुकी है। आप प्लीज उसे जगाइए वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ना नहीं जगा सकती, जो बात करनी है सुबह में कर लेना। सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? अरे कमाल की औरत है आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा हूँ और आप मान ही नहीं रही है। यहाँ हर काम नियमों के अनुसार होता है, इस वक्त ना मैं पायल को जगाऊंगी और वो ना ही तुमसे बात करेगी। आप खामखा जिद कर रही है, आप प्लीज उसे जगाइए। देख लेते आवाज नीची करके बात कर वरना हलक से जबान खींच लूंगी। बड़ी बदतमीज है आप। देख लेते तू मुझे तमीज मत सिखा, तू होता कौन है? आइंदा इस तरह से बात की तो जबान से नहीं जूतों से बात करूंगी, समझा? लड़ी शट। मां ये तुमने अच्छा नहीं किया, अगर पायल को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? सुनील जैसे आदमी के लिए मेरे पास इससे अच्छा कोई जवाब नहीं था। मां तुम्हें पायल को जगाना चाहिए था। सुमित और पायल में झगड़ा हुआ था, रोते रोते पायल सो गई थी, गहरी नींद में थी, उस वक्त मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। ये बात नहीं थी,
असल बात तो ये थी कि तुम्हें पायल का और सुनील का मिलना जुलना पसंद है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाता। उसी की वजह से पायल में बिजनेस करने की हिम्मत पैदा हो गई, वरना एक गृहस्थी संभालने वाली लड़की बिजनेस के बारे में सोच भी कैसे सकती थी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं ये पूछने आई थी, आप लोगों से कोई चाय लेगा? नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद पीऊंगा। दादी माँ, आप पियेंगी चाय? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे चाय देने के लिए मेरी बहुएं हैं। क्या माँ, बेचारी का दिल तोड़ दिया ना? मैंने ठीक ही किया, हमेशा चापलूसी करने में लगी रहती है। नहीं माँ नहीं, आरती बेचारी चापलूसी नहीं करती, वो मेरी सेवा दिल से करती। मैं नहीं मानती। माँ तुम्हें आरती से इतनी नफरत क्यों है? क्या बुराई है उसमें? उसमें बुराई सिर्फ ये है कि उसके आने के बाद पता नहीं देवयानी को क्या हो गया है, उसकी देखभाल में ऐसी लगी रहती है जैसे आरती उसकी अपनी खुद की बेटी हो। पता नहीं कौन से इरादे से ये लड़की यहाँ आई है। दादी माँ आप गलत समझ रही हैं, आरती बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा अब तू मुझे समझाएगा, पहले खुद को समझ फिर मुझे समझा। पर दादी माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बड़ों के बीच में बोलना बहुत बुरी आदत है, जाओ अपना काम करो। मैंने कहा था मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखो पायल, इस तरह बिजनेस नहीं होता, हम फुटपाथ पर आ जाएंगे और अगर यही आलम रहा तो हमें बिजनेस बंद करना होगा। सुनील आखिर हुआ क्या? तुम सिर्फ सुनाते रहोगे या बताओगे भी कि क्या बात है? तुम्हें पता है हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? कल रात हमारी एक जरूरी मीटिंग थी और जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम सो रही थी। तो कह देते वो लोग मुझे उठा देते। अरे भाई फोन किया था लेकिन मुझे गालियां सुनने को मिली। गालियां सुनने को मिली? किसने दी तुम्हें गालियां? तुम्हारी दादी ने। और किसने? दादी माँ ने। हाँ, उन्होंने गाली नहीं बल्कि उन्होंने जूते से मारने की धमकी भी दी मुझे। लेकिन दादी माँ ने अचानक ये क्यों किया? मुझे क्या पता, तुम खुद पूछ लो अपनी दादी माँ से। देखो पायल, अगर उन्हें हमारा बिजनेस पसंद नहीं तो हम उसे यहीं बंद कर देते हैं। देखो सुनील, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम बिजनेस क्यों बंद कर रहे हो? देखो पायल, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। आज तक किसी ने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं की, मैं बहुत अपसेट हूँ। सुनील, दादी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, यकीन करो आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं भी दादी माँ से बात करती हूँ। हाँ हाँ बात करना, जरूर बात करना, ताकि आइंदा से वो मुझसे इस कदर बात नहीं करेंगे। दादी माँ, दादी माँ। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? दादी माँ, कल रात को सुनील का फोन आया था ना? हाँ आया था। तो आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तुम गहरी नींद में सो रही थी। सो रही थी, मर तो नहीं गई थी? पायल क्या हो रहा है तुझे, होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन आपने सुनील से क्या कह दिया? उसने जैसी बात की वैसा मैंने उसको जवाब दे दिया। आपने उसकी इंसल्ट की है। अगर मैंने उसे कुछ कहा होगा तो उसकी वजह भी तो होगी। चाहे जो भी वजह हो, पता है आपके बात करने का क्या नतीजा हुआ? उसने बिजनेस को बंद करने का फैसला कर लिया। ऊंची आवाज में बात मत करो। देखिए दादी माँ, आप या इस घर का कोई भी मेंबर अगर मेरे बिजनेस में दखल नहीं देंगे तो बेहतर रहेगा। धमकी दे रही हो? चार पैसे क्या कमाने लगी, एक बिजनेस क्या शुरू किया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी, बड़ों की इज्जत करना भूल गई। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बदल जाओगी तो मैं तुम्हें बिजनेस करने की इजाजत ही नहीं देती। मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया है तूने। माँ आखिर पायल ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतनी दुखी हो? अब मैं क्या बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पायल मुझे इतनी सारी बातें सुना देगी। तुमने पायल से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस कल रात को सुनील का फोन आया था, मैंने पायल को जगाना ठीक नहीं समझा, इसी को लेकर मैंने सुनील को बातें सुना दी। उसका पायल को गुस्सा आ गया, पर सोचने की बात यह है कि सुनील जैसे आदमी के लिए पायल ने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया। आखिर लगता क्या है वो उसका?
माँ, तुम्हें भी बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है। अरे हो सकता है सुनील को बिजनेस के बारे में कोई खास बात करनी हो पायल से। मेरे ख्याल से आपको पायल को जगह देना चाहिए था। अब तू भी मुझे ही सुना देगा, अपनी बहू को कुछ नहीं कहेगा। माँ, आज तक पायल ने तुमसे कुछ गलत कहा है? आज ही क्यों कहा? जरूर कोई बात हुई होगी। बाबूजी, कोई भी बात हो, लेकिन पायल को दादी माँ से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर सुनील से उसका बिजनेस रिलेशन है, उसके लिए क्या वो दादी माँ से जबान लड़ाएगी? ये तो बहुत बुरी बात है। बहू, हमेशा बात को खत्म करने की कोशिश किया करो, जितनी हवा दोगी उतनी बात बढ़ती जाएगी। देखो, अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। पायल ने मेरी बेइज्जती की, मुझे उल्टा सीधा कह दिया, इसका कोई एहसास नहीं इसे, उल्टा मुझे सबक पढ़ा गया। दादी माँ चुप हो जाइए, पायल ने जो किया बहुत गलत किया है, उसे उसी गलती का एहसास होना चाहिए। नमस्ते भाभी, बहुत भूख लगी है। सुमित, मुझे तुमसे एक शिकायत करनी है। शिकायत? कैसी शिकायत? पायल की। क्या क्या पायल ने? देखो सुमित, तुम उसके पति हो, तुम में और उसमें नोकझोंक होती है, कोई बात नहीं, हम जेठानी है, हमें भी नोकझोंक होती है, चल जाता है। लेकिन उसने आज दादी माँ को उल्टी सीधी बातें सुना दी। कैसी उल्टी सीधी बातें भाभी? कल रात सुनील का फोन आया था, दादी माँ ने उसे फोन पर कुछ उल्टी सीधी बातें सुना दी होगी, और उसी बात को लेकर पायल ने दादी माँ से जुबान चला दी। बात यहां तक पहुंच गई कि दादी माँ ने बाबूजी से शिकायत कर दी, और बाबूजी ने भी पायल का साथ दे दिया। पायल की इतनी हिम्मत, उसने दादी माँ से जुबान लड़ाई? इसी बात को लेकर दादी माँ को बहुत दुख हुआ और वो रो पड़ी। पायल ने बहुत गलत किया। कल रात सुनील को लेकर तुम्हारा और पायल का झगड़ा हुआ था ना, उसके बाद ही सुनील का फोन आया। पायल उस वक्त सोई थी, दादी माँ ने सोचा कि इस वक्त पायल को नहीं उठाना चाहिए, तो उन्होंने सुनील को मना कर दिया और कह दिया कि पायल सोई हुई है, मैं उसे नहीं उठाऊंगी। बस इसी बात पर दोनों पर बहस हो गई, और दादी माँ को अफसोस इस बात का है कि वो तो अच्छा करना चाहती थी और पायल ने उसे उल्टी सीधी बातें सुना दी। ये तो पायल ने बहुत बुरा किया है।